हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज लवीना सिंह, योर बॉटनी मेंटोर। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम अंडरस्टैंड करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डिटेल्ड प्रोसेस। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोर्स का जेनेसिस, दैट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स। बट व्हाट इज दिस माइक्रोस्पोर, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। बेसिकली बच्चा, आपको पॉलन ग्रेन्स के बारे में पता है। पॉलन ग्रेन्स की बेबी स्टेज को ही हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं। सो अगर हमें पॉलन ग्रेन, एक डेवलप्ड पॉलन ग्रेन चाहिए है, उससे पहले हमें ज़रूरत है कि माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करवाई जाए, राइट? और माइक्रोस्पोर्स कैसे बनेंगे? They are formed from the microspore mother cells. All right, they are formed from the microspore mother cells. These are the diploid structures. Okay, और अगर diploid structure में meiosis हो रही है, that means reduction division हो रही है, so हमारे पास क्या structure बन जाएगा? Haploid structure. All right, so लेट अस अंडरस्टैंड इट इन अ ब्रीफ वे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मियोसिस वाला पार्ट 11th में समझ नहीं आता है, तो अभी थोड़ा सा ब्रीफ देना ज़रूरी है। इफ़ आई एम हैविंग अ डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल में जब मियोसिस 1 होता है, इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। ओके, एंड फिर इन हैप्लॉयड डॉटर सेल्स में मियोसिस 2 होगा एंड अल्टीमेटली हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ओके, सो ये जो हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बने हैं, इन्हीं को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। ऑलराइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड ये माइक्रोस्पोर्स का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे फॉर्म होता है। लास्ट सेक्शन से आपको याद होगा कि हमने एंथर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। एंथर बायलोब्ड होता है, डायथिकस होता है एंड टेट्रागोनल होता है, राइट? एंथर हमारे पास हर एक लोब की बात करें तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल एंथर के पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में पढ़ा था। आफ्टर दैट हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, के अंदर एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स प्रेजेंट होता है, राइट? एंड उसको बेटा, एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, ये हमें पता है, दैट इट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू, राइट? सो वी हैव अ टिश्यू जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। सो यहाँ पे एक बार मैं आपको ब्रीफ समझा देती हूँ। हमने बात करी है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया की, राइट? तो कुछ इस तरीके का, व्हाइल वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट लास्ट टाइम, कुछ इस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर था एनसीईआरटी में, राइट? और इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजियम, सेकेंड माइक्रोस्पोरेंजियम, थर्ड एंड द फोर्थ वन, राइट? सो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमने देखा कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स का एक ग्रुप प्रेजेंट है, उसे हम क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द स्पोरोजिनस टिश्यू, राइट? अब अगर ये स्पोरोजिनस टिश्यू है तो ये सेल्स से बना हुआ है। इसके एक पर्टिकुलर सेल की अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक सेल की, दैट सेल इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, सो वो क्या होता है हमारे पास? माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, ठीक है बेटा? सो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा और उससे हमारे पास 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो बेसिकली अगर एक स्पोरोजिनस टिश्यू 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से बना हुआ है तो टोटल कितने माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे? 40, 10 into 4। ऑल राइट, तो इस तरीके का आपसे एक बेसिक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ऑल राइट, सो ऑन डेवलपमेंट ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड्स मियोटिकली। यहाँ पे हमारे पास मियोटिक डिवीजन हो रही है। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या मतलब है बच्चे? यहाँ पे इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की, हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की। और माइक्रोस्पोर मदर सेल एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बच्चा? एंड ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास चार माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम को प्लीज डिटेल में देखिए। दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये वाला, ये जो एक सेल मैंने स्पोरोजेनस टिश्यू का निकाला है, दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब फर्स्ट मियोसिस होगा तो क्या हमारे पास दो डॉटर सेल्स बनेंगे, और उसे हमने नाम दे दिया है माइक्रोस्पोर डायाड, बिकॉज दे आर टू इन नंबर। देन मियोसिस टू होगा, चार हमारे पास माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। ऑलराइट, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है, एक देखो ये रहे हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर प्रोडक्शन हो रही है पॉलन ग्रेन्स की। अब मैम पूरी हमने इस डिटेल में पॉलन ग्रेन को पढ़ा ही नहीं, पॉलन ग्रेन हमारे पास बेसिकली बनता ही यहाँ से है। ये जो माइक्रोस्पोर है ना बच्चा, दिस पर्टिकुलर माइक्रोस्पोर, इट डेवलप्स इनटू द पॉलन ग्रेन, सो वी विल सिंपली अंडरस्टैंड इट एज develops into pollen grain. That means अगर मेरे पास यहाँ पे टेट्राड है तो यहाँ पे मेरे पास चार pollen grains develop हो जाएंगे। All right, so this is the basic structure and basic process of microsporogenesis. Now we will understand the structure of pollen grain. एक pollen grain का structure कैसा होता है, and this is the basic you should know. इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक पर्टिकुलर टर्म आएगी जिसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पॉलन ग्रेन को हम और क्या कंसीडर कर सकते हैं बच्चा? पॉलन ग्रेन इज टर्म्ड एज एन इमेच्योर मेल गेमीटोफाइट। मेल गेमीटोफाइट क्यों बोलते हैं? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि पॉलन ग्रेन मेल गैमीट होता है। नो, इट इज़ नॉट द मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। ऑलराइट, नाउ pollen grains are generally spherical and it is surrounded by two distinct layers. तो आप इस डायग्राम में भी क्लियरली देख सकते हो, एक आउटर ऑरेंज कलर का लेयर दिख रहा है एंड एक इनर येलो कलर का लेयर है। सो दीज टू डिस्टिंक्ट लेयर्स आर द आउटर, दैट मीन्स एक्सटर्नल, इट इज कॉल्ड एज एक्साइन, एंड द इंटरनल वन इज कॉल्ड एज इंटाइन। तो जैसा उसका पोजीशन है वैसा उसका नाम है। यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, दैट द एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ क्यूटिन एंड स्पोरोपोलेनिन। व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ cutin and sporopollenin. This is very very important. Sporopollenin से related आपसे questions भी पूछे जाते हैं। This particular chemical is highly resistant. ये बहुत ही रेजिस्टेंट केमिकल होता है जिससे हमारे पास एक्साइन बनी होती है, और ये प्रोटेक्ट करता है मेल गैमीट्स को, प्रोटेक्ट करता है पॉलन ग्रेन के पूरे स्ट्रक्चर को। ये टोटली इम्परमिएबल होता है। ऑलराइट, एंड स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही हम पॉलन ग्रेन्स को फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ इंटरनल यानी कि जो अंदर वाली लेयर होती है वो सॉफ्ट होती है, थिन होती है, इलास्टिक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, तो ये कॉम्पोजिशन याद रखिएगा कि जो इंटाइन है वो पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनी है, और जो एक्साइन है वो हमारे पास क्यूटिन और स्पोरोपोलेनिन से बनी है। ऑलराइट, नाउ At few places on the outer surface, यानी कि एक्साइन की हम बात कर रहे हैं, एक्साइन इज एब्सेंट। क्या होता है? कुछ कुछ जगह पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो दैट द एक्साइन इज मिसिंग ऑन द थ्री प्लेसेस। ओके, या मिसिंग होगी या बहुत ही ज्यादा थिन होगी। ऑलराइट, सो यू कैन सी 1, 2 and 3 द एक्साइन इज मिसिंग, यानी कि वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है। और ये ऐसा होता क्यों है, रीज़न क्या है बच्चा? मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास स्पोरोपोलेनिन है ये हाईली रेजिस्टेंट है, इम्परमिएबल है। अगर ये अंदर किसी को जाने नहीं देता तो अंदर से बाहर किसी को आने भी नहीं देगा। राइट, ये बहुत ही रिजिड इवॉल्व होती है। सो बेसिकली कहीं कहीं पे ये जो वॉल है वो एब्सेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंटाइन वाली लेयर है, इंटाइन वाली लेयर एक पॉलन ट्यूब बनाती है। ओके, पॉलन ट्यूब क्या है, उसका पूरा सिग्निफिकेंस क्या है वो हम आगे वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। बट पॉलन ट्यूब का रोल क्या होता है? पॉलन ट्यूब कैरी करती है मेल गैमीट्स को। अगर पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमीट्स रह जाएंगे तो वहीं पे डिजेनरेट हो जाएंगे। दे हैव टू कम आउट टू मीट द फीमेल गैमीट, और उनको बाहर आने के लिए जो रास्ता चाहिए उसे हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। और पॉलन ट्यूब को बाहर आने के लिए रास्ता चाहिए वो कहाँ से मिलता है? जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन वाली लेयर यानी कि एक्साइन एब्सेंट होती है। ऑल राइट गाइज, नाउ इंटाइन कम्स आउट, इंटाइन कम्स आउट फ्रॉम एनी ऑफ द germ पोर। तो यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बच्चे एक्साइन एब्सेंट होती है ना वहाँ पे एक छोटा सा पोर बन जाएगा, एक छोटा सा छेद बन जाएगा जिसे हम germ पोर बोलते हैं। ओके, एंड germ पोर से हमारे पास जब पॉलन की जर्मिनेशन होती है ना बच्चे, यानी कि जब पॉलन ग्रेन अपने रिस्पेक्टिव स्टिग्मा के ऊपर फॉल करेगा, वहाँ पे स्टिग्मा उसको जब एक्सेप्ट कर लेता है तब पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जिसे हम जर्मिनेशन ऑफ pollen grain कहते हैं। All right, and it is in the form of a pollen tube। और इसी के साथ साथ एक चीज याद रखिएगा कि pollen tube को आप germ tube भी कह सकते हैं। It can also be called as the germ tube। All right, so this is the basic structure of a pollen grain कि हमारे पास एक एक्साइन लेयर है, एक इंटाइन लेयर है। एक्साइन बनी होती है क्यूटिन और स्पोरोपोलेनिन से, और इंटाइन हमारे पास बनी होती है पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से। पैक्टिन और सेल्यूलोज वाली ये जो लेयर है ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट और इलास्टिक होती है, और ये जो स्पोरोपोलेनिन वाली लेयर है ये बहुत ही रिजिड और टफ होती है। ओके, एंड जो हमारे पास स्पोरोपोलेनिन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? दैट इट इज़ वेरी हाईली रेजिस्टेंट टू वेरियस केमिकल्स, और इस वजह से पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। ऑल राइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द mature structure of a pollen grain. So a mature pollen grain comprises of a vegetative cell and a generative cell। तो ये जो दो cells हैं ये पूरा का पूरा structure बना रहे हैं, पूरी composition बना रहे हैं हमारे एक pollen grain की, mature pollen grain की। All right, let us understand this with the help of this very diagram। आप इस diagram में देख सकते हो that there is, यहाँ पे आपको focus करना है on the outer part and then I will come to the this particular highlighted portion। ओके बच्चा, सो हमारे पास दिख रहा है ये जो बाहर वाला बड़ा सा सेल है जिसके पास एक स्फेरिकल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ये हमारे पास है वेजिटेटिव सेल। विच सेल इज दिस? दिस इज द वेजिटेटिव सेल। ओके, दिस इज द वेजिटेटिव सेल। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास ये जो आई शेप्ड का या फिर स्पिंडल शेप का भी हो सकता है, ये जो सेल अंदर प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। व्हाट डू वी कॉल इट? जेनरेटिव सेल। ये हो गए दो सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल होता है यू कैन क्लियरली सी इट इज कंपैरेटिवली बिगर सेल, इसके पास abundant food reserve present होता है and also इसके पास एक large nucleus present होता है। All right, अगर मैं बात करूँ generative cell की, generative cell small होता है, फ्री फ्लोटिंग होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल ओनली। इसको खुद को अलग कोई बाउंड्री नहीं मिली होती, बेसिकली इसको खुद का अलग कोई सेक्शन नहीं मिला है। ये बेचारा क्या करता है, ये वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस होगा एज वेल एज इस पर्टिकुलर सेल के पास जो न्यूक्लियस का साइज है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होगा क्योंकि इसका खुद का साइज भी स्मॉल होता है। नाउ इनका सिग्निफिकेंस क्या है? राइट, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? जो जेनरेटिव सेल है ना बेटा, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, जो जेनरेटिव सेल होता है ये एक्चुअल में मेल गैमीट्स को कैरी करता है। ऑल राइट, ये हमारे पास जो हमारे पास स्पर्म्स हैं उनको कैरी करेगा। सो इट कैरीज द मेल गैमीट्स। नाउ यू विल से कि मैम आपने बोला कि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए उसको मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं, तो हमारे जेनरेटिव सेल ने जब मेन रोल प्ले कर दिया है, मेल गैमीट को कैरी कर लिया है, तो ये वेजिटेटिव सेल का क्या पर्पज़ है बच्चा? वेजिटेटिव सेल का पर्पज़ होता है पॉलन ट्यूब की फर्दर फॉर्मेशन करवाते रहना, उसको डायरेक्शन दिलाते रहना, और उसको फॉलो करता है हमारा ये जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे वो उसको फॉलो करेंगे और वो अपने एम तक पहुंचेंगे, अपनी मेन लोकेशन तक पहुंचेंगे, दैट इज द फीमेल गैमीट। ऑलराइट, सो हमारे पास ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड आप देख रहे हो ये एक 2 सेल्ड स्टेज है। सो 60% एंजियोस्पर्म्स के केस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पे शेड हो जाता है, यानी कि एंथर से बाहर निकल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, पॉलन ग्रेन आर शेड एट द 3 सेल्ड स्टेज। और ये 3 सेल्ड स्टेज कहाँ से आती है? क्योंकि ये जो जेनरेटिव सेल होता है ना बच्चे, दिस जेनरेटिव सेल स्प्लिट्स इनटू 2, इट स्प्लिट्स इनटू 2 फर्दर सेल्स। ठीक है, सो 2 सेल्स वो और एक बड़ा वेजिटेटिव सेल, टोटल 3 सेल्स। तो दिस बिकम्स द 3 सेल्ड स्टेज। 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जब तक ये 3 सेल्ड स्टेज नहीं बन जाती तब तक पॉलन ट्यूब आगे फर्दर डेवलप नहीं करेगी, या फिर ये पॉलन ग्रेन अपने एंथर से बाहर निकलेगा ही नहीं। लेकिन जो ये 60% है जिनमें ये 2 सेल्ड स्टेज में ही बाहर निकल जाता है, तो इसमें 3 सेल्ड स्टेज कब आएगी? जब पॉलन ट्यूब बन जाएगी, उसके बाद हमारा जो जेनरेटिव सेल है वो पॉलन ट्यूब के अंदर ही अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि 2 सेल्स में डिवाइड कर देता है। ओके, सो 60% में 3 सेल्ड स्टेज कब आती है? इन द पॉलन ट्यूब। और 40% में 3 सेल्ड स्टेज ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, क्योंकि जब तक ये 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक एंथर उस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को रिलीज ही नहीं करेगा। Alright guys, so I hope the structure of pollen grain and the process of microsporogenesis is clear with you. आगे का जो प्रोसेस है that is the female gamete, female gametophyte and the whole structure, वो डिटेल में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।